चम्मच से लेके उनका खवा दी। अब वो इतना गर्म था, इतना गर्म था कि उसके मुंह में गया तो बड़ी तेज से रो दिया। अच्छा, तब तक हम भी खा चुके थे तो गर्मी हमें भी एहसास हुई, हम बड़े थे, हम जल्दी से जीभ से इधर उधर करके अपना घटक दे पानी पी लिए। अब वो मारे प्यार के रसगुल्ला खिलाएं, और इतना गर्म रसगुल्ला कि रसगुल्ला का मिठास नहीं गर्माश महसूस किया, और आज तक रसगुल्ला देखता है तो उसको रो देता है। बचपन में एक ऐसा संस्कार मिल गया रसगुल्ला देख करके कि ये गर्म होता है, बेकार होता है, ठंडा नहीं होता, मीठा नहीं होता, और अब तक वो संस्कार बना रह गया। रसगुल्ला देखेगा वो कहे नहीं हम नहीं खाएंगे, नहीं ठंडा है बेटा, देखो थोड़ का खिचड़ी का खा ले, थोड़ का खा ले, नीक है बेटा मीठ है ना। उसको वो बचपना संस्कार इतना तगड़ा हो गया कि रसगुल्ले से उसको एलर्जी हो गई। ऐसे क्यों? ये बचपनी संस्कार हम डाल देते हैं, बिल्ली नहीं म्याऊं म्याऊं काट लेगी काट, तब वो डरेगा। अब बिल्ली आएगी वो डर, बिल्ली को देख के रोने लगेगा। कुत्ता दिखाओ डरवा दो, एक बार बताओ, दो बार बताओ, तीन बार बताओ, चौथी बार वो कुत्ता देखेगा रोने लगेगा, बोले हाँ या ना। नहीं, आप देखिए सांप के जो सपेरों के यहाँ बच्चे पैदा होते हैं ना, उनका खिलौना सांप ही होता है। उनको आप बैठा देते सपेरे, उस सांप को पटारी शिटारी से खेल के उन्हीं से खेला रहा था, उनका पूंछ पकड़ा, उनका मुंह पकड़ी है, उनका गले में डई है, उनको नहीं डर लगता। क्यों? क्योंकि अम्मी पापा ने बताया ही नहीं कि सांप काट लेगा, वो तो सांप के साथ खेलते नजर आएंगे। बोले हाँ, सपेरों की एक बस्ती है संकरण में, ये प्रत्यक्ष घटना मैं बता रहा हूँ, समझ आया? बच्चे को कुछ पता नहीं कि बिच्छू क्या होता है, सांप क्या होता है, कुत्ता क्या होता है, बिल्ली क्या होती है, आग क्या होता है, ठंडा क्या होता है। इसीलिए आप देखिए बच्चे बाल्टी टब में पानी भरा हो ऐसा छपर छपर करके वहाँ जाके चाहे भले डूब जाए, उसको पता नहीं कि पानी में डूबा जा सकता है। अब ये सब जिनको पता होता है, तो आप किसी बच्चे का संस्कार बचपन में कैसे हैंडल करते हैं समझना, उसका संस्कार वैसे बनेगा, आगे चल के वो वही होगा। आप देखिए खेतिहर किसानों के बच्चों को देखिए, डांड़ मेड़े में जाते हैं, खेते में घुसते हैं, वहाँ कदाएँ कदाएँ आवा था, उनको छी नहीं होता। और यदि आपके बच्चे को थोड़ा छी लग गया, गोबर लगा, छी छी टी आछू, अब थोड़ा सा भी लगता है तो रोने लगता है आछी। कभी किसान के बच्चे को देखो आछी करता है, साला ऊपर से लेकर नीचे तक माटी में नहाया रहेगा, उसको छी नहीं होगा, वो वहीं गिरेगा, वहीं पटकेगा, वहीं करेगा, खेदा खेत में जाएगा, पांटा में बैठेगा, हरे के पीछे भागेगा, ट्रैक्टर में चढ़ेगा, खेदा खेत में घूमेगा, वहाँ मेड़ बांधेगा, मेड़ बांधेगा, और उसको कुछ होता भी नहीं, वो एक को बार नहीं छींकेगा। सहरा तो लड़के को ले जाओ, मेड़ में ठाड़ हो जाओ, जुकाम बुखार हो जाए दोनों, बोलो हाँ या ना। क्यों? वो उसका शारीरिक सिस्टम ना उससे ऑब्जर्व नहीं किया। बोले हाँ, यहाँ आप अपने बच्चे को टोपा लगाए रहते हो, मोजा पहना रहते हो, ठंडी ना लग जाए, नहीं ये इतना आँखी भर दिखाते हैं, साला वहाँ चड्ढी बनियानी में पूरा माथ घूमत है लड़का, पहनाओ पहनाओगे तो उतार के फेंक देंगे, सारा दिन टहलते हैं, उनको कुछ नहीं होता। क्यों? उनका वो अपना ऑब्जर्वेशन सिस्टम ऐसा शरीर का बन गया है गाँव का कि वैसे रहेंगे, वो गोबर में ना खेलें तो बीमार हो जाए। भाई वहाँ हमारे यहाँ आंगन ही गोबर से लीपा जाता है, और गोबर से लीप करके गांव की औरतें सोचती हैं कि बड़ा पवित्र हो गया, और उसी गोबर में ही वो खेला है तो उसको गोबर सूट करता है। बोलिए, बल्कि उसको बहुत साफ सुथरा यहाँ ले आकर बैठाओगे बीमार हो जाएगा, उसको वही गोबर, उसकी वही मिट्टी, उसकी वही पृथ्वी, उसकी वही वसुधा पालन करती है, और वो उसी आप जब मैं आपको यही बता रहा था क्या कौन आदमी किस जगह पर किस तरह से सूट किया, मैं आपको बता रहा था भरत का जीवन, सर्वदमन का जीवन, सर्वदमन का जीवन ही बचपन से लेके 5 सालों तक वो उसका जो बचपना संस्कार था ना, वो ऐसा मेंटेन कर दिया गया कर्ण के द्वारा और मारीच के द्वारा कि बाद में उसको भारतवर्ष की स्थापना, भरत को जगत विख्यात सम्राट होना ही था, उसका संस्कार ही जगत विख्यात जैसा बन गया था। आप सोचिए जो आदमी बचपन में ही शेर से खेला हो, और इनके बाप हिरण के पीछे मारे जाते रहे, ये हिरण मारने कभी जाएगा नहीं, ये जब भी जाएगा शेर मारने जाएगा। बोले हाँ, ये आपको बताया वत्से वीर प्रसवनी भव, और तीसरी ने कहा वत्से भर्तुर बहुमता भव, वत्से अय पुत्री भर्तु पति की बहुमता भव, पति तुमको बहुत माने, पति तुमको, देखिए बहुमता का मतलब होता है बहुत मानना, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि दुष्यंत वशमती को नहीं मानता, बसमती को हंसपतिका को मानना और बहुमता, मानना और बहुत मानना, तो यहाँ पर उन्होंने एक आशीर्वाद दिया कि सारी पत्नियों को यदि माने तो तुमको बहुत ही माने, बहुमता भव इति आशीषो दत्वा, ऐसा आशीर्वाद दे करके गौतमी वरजम निष्क्रांता, गौतमी को छोड़कर सब चले गए।
धीरे धीरे विदाई के समय आते आते धीरे धीरे लोग जाने लगे। सख्यौ दोनों सखियाँ उपसृत्य मने पास जाकर सखी सुखमत जनम ते भवतु, सखी तुम्हारा स्नान कर सुखर हो, सुखद हो, तू सदा सुखी रहे, तेरा स्नान अच्छा मज्जनम मने स्नानम। स्नान किसके लिए किया गया? ससुराल के लिए, ससुराल जाने के लिए। तो ससुराल जाना तुम्हारा सुखकर हो, ससुराल में रहना सुखकर हो, जिस वजह से तुमने स्नान किया है, स्नान करके जहाँ जा रही हो वो यात्रा सुखकर हो, ये दोनों सखियों का कथन है। अब ज़्यादातर आपको दोनों सखियों के, जो भी शकुंतला के लिए अच्छे सदवाक्य आएंगे वो दोनों कहेंगी, वो दोनों साथ कहेंगी। इसलिए सख्यौ से मतलब हुआ प्रेमदा और अनुसूया दोनों का, और दोनों ने और सखी संबोधन है शकुंतला के लिए। शकुंतला ने कहा स्वागतम में सख्यो, स्वागतम में माने मेरी यानी मम, में षष्ठी का एक वचन है वैकल्पिक, माँ में नौ 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 ना 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 ऐसा लोग बनता है द्वितीय में, चतुर्थी में और षष्ठी में, ध्यान रखना द्वितीय में चतुर्थी में। इसीलिए मैं मतलब मम, मैं मेरी सख्यो माने दोनों सखियों का स्वागतम, ठीक है, मोस्ट वेलकम प्रेमदा और अनुसुया, आओ मेरे पास, इतो निशीलितम इधर आओ बैठो। अच्छा जो बड़ी पक्की सहेली होती है ना, जब सहेलियाँ आते हैं विदाई के समय साहब, तो जो विदा हो रही होती है वो पकड़ के अपने बगल ऐह कहती आ भाई हमें लगे चले, ऐह कहती आ प्रेमदा अरे भाई जय हमें लगे, कहती इसो इतो निशीदतम इधर आओ यहाँ बैठो, मैं पास बैठो मेरे बगल बैठो, बैठाती है ना। हाँ आप कैसे बोल रहे जी, तुम तो सखा हो, सखा भी यही करते हैं। जौन दुल्हा होता है, दुल्हा का जो पक्का साथी हो, जौन दुल्हा के अगल बगल बहुत चलता हो समझना दुल्हा का पक्का साथी, कलेवा खाने जाएगा तो वहाँ भी जाएगा, बाती मिलाने जाएगा दुल्हा वहाँ भी जाएगा, और जब तक बैठा रहता जाने नहीं देते लेकिन तब भी जरा झांकता तो है ये है। हे मैडम को बड़ा अनुभव है, सही बात है, वहाँ नहीं जाने देते, वहाँ दुल्हा ही भर जाता है, पूरा ब्याह में रात भर जगता रहेगा पक्का साथी। अब कुछ साथी होते हैं धीरे धीरे जहाँ जयमाल शयमाल हुआ बिना बताए निकल लिए चपक के सोए फिर सवेरे आते हैं, कुछ ही पक्के साथी होते हैं जो सारी रात बैठे रहते हैं दुल्हा के साथ। आपों के साथ क्यों बैठ रहा, हम तो मड़वा हलाने गए थे बे, वत्से भरतुर बहुमता भव यहाँ तक आया आप, स्वागतम में सख्य हुई तो निषीदतम मंगल पात्राण याद आया। फिर दोनों ने मंगल जो मांगलिक सामग्री लाए थी दोनों ने हाथ में लेकर उपविश्य बैठ कर हला सज्जा भव, ऐसे ही सखे सहेली सज्जा भव, सजो ससुराल जाने के पहले क्या किया जाता है सजाया जाता है, यावत्ते मंगल समालंभनम विरचया वह, तब तक हम लोग मांगलिक सामग्री को तुमसे सजाना चाहते हैं। शकुंतला इदमपि बहुमंतव्यम ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, दुर्लभम इदानीम में सखी मंडनम भविष्यति, नाइन नोट कर लेना कभी कभी पूछ लेता है, दुर्लभम इदानीम में सखी मंडनम भविष्यति, इदानीम इस समय दुर्लभम भविष्यति, अब सखियों के द्वारा मेरा सजना दुर्लभ हो जाएगा, ठीक है। तो ये शायद आखिरी सजावट होगी, पता नहीं फिर दोबारा आए कि ना आए, इसीलिए वो कहते हैं कि सजना है मुझे सजना के लिए, प्रेमा कलंकार है ना, एक सजना का अर्थ है साजन और एक सजना का अर्थ है साज सज्जा। हाँ तो कहो हाँ मान लो हिंदी वाले में पूछे सजना है मुझे सजना के लिए, तो सजना है ये क्रिया है और सजना साजन प्रिय, प्रेमा कलंकार का सुंदर धनाभाव से यही पढ़ाया है वहाँ कनक कनक थे सबने पुराना हो गया। इदम मंतव्यम दुर्लभम इदानी में सखी मंडलम भविष्यति, सखियों के द्वारा सजना अब मेरे लिए दुर्लभ हो जाए। सखी उचितम नते मंगल काले रोदितुम, सखी इतना सुनती है कि वास्तव विसृजति लिखा है, ऐसा सुन ऐसा कह करके कि अब सखियों के द्वारा सजना मेरा दुर्लभ हो जाता रोने लगती है। तो दोनों ने कहा दोनों सहेलियों सखी उचितम नते मंगल काले रोदितुम, यह मांगलिक वेला है,
और इस मांगलिक वेला में, इस विदाई की वेला में रोना उचित नहीं है। इति अश्रुणि प्रमृज्य, आंसुओं को पोंछ कर नाट्येन प्रसादयतः, ऐसा अभिनय करते हैं कि मानो सजा रहे हैं, बालों को बना रहे हैं, कपड़ा पहना रहे हैं, पाउडर क्रीम जो भी रहा होगा उस जमाने में, सब सजाती हैं। प्रेमदा आभरणोचितम रूपमाश्रम सुलभैः प्रसादनैः विप्रकार्यते। प्रेमदा ने कहा आभरणोचितम, आभरण माने आभूषण, उचितम माने उचित, आभूषण जिस अंगों में आभूषण उचित है, आभूषणों से सजाना चाहिए, ऐसा रूप, ऐसा हमारी सखी का आश्रम सुलभैः, जो आश्रम में पत्ती पतौआ फूल यही चीज़ें उपलब्ध हैं, उनके द्वारा प्रसाद नहीं ही, आश्रम सुलभई ही प्रसाद नहीं ही, आश्रम में सुलभ सामग्रियों के द्वारा विप्रकार्यते, बोले सजाया नहीं जा रहा, लगता है बिगाड़ा जा रहा है, सजाया नहीं जा रहा है। हाँ भाई, निकुरों में कोनो पाती घुसेरत होई, काने में कोनो फूल मा ठोसत होई, गले में हार की जगह कोनो माला डाबत होई, तो सब जगह तो फूले पत्ती लगा रहे हैं। तो प्रेमदा ने कहा कि यही हूँ फूल पत्ती, यही हूँ फूल पत्ती, सकल फूल है फूल, यहाँ तो बढ़िया सुंदर हार हो चाहिए, काने का बढ़िया टप्स हो चाहिए, नेकुरा का कहाँ हो चाहिए मैडम, है नथनी, हाँ बढ़िया हो चाहिए, माथ बेंदी हो के चाहिए, करधनी हो के चाहिए, गोड़े में पायल हो के चाहिए, यहाँ हर जगह जो है फूल पत्ती हैकर फूल हुआकर फूल, मानो उसका स्वरूप हाँ ऐसा लगा था जिससे शकुंतला पेड़ हो। ये उसका अपना कष्ट है कि यहाँ आभरण चाहिए, आभूषण चाहिए, यहाँ सोने के आभूषण चाहिए, चांदी के आभूषण चाहिए, तो मेरी सहेली का रूप बहुत सुंदर लगता, पर ये आश्रम सुलभ भाई ही प्रसाद नहीं है, ये आश्रम में भाई आश्रम में क्या सुलभ होगा, फूल पत्ती सुलभ होगा, तो आश्रम में सुलभ जो प्रसाधन है माने साज सज्जा सामग्री है उससे ये सज नहीं रही है। उसने लिखा विप्रकार्यते, तो औरों बेकार लगने लगे, ऐसे वो निकाल पत्ती सत्ती फेंका काने से, कार यहाँ पत्ती टांगे, यहाँ फूल टांगे है, यहाँ तो हटाओ। प्रवेश उपायन हस्तम ऋषि कुमार को, इसके बाद प्रवेश करते हैं दोनों ऋषि कुमार, और उपायन हस्तव, उपायन माने उपहार, गिफ्ट से भरा हुआ है हाथ जिनका, ऐसे दोनों ऋषि कुमार मंच पर प्रवेश करते हैं। कोष्ठ में कालिदास ने लिखा प्रवेश माने प्रवेश करके, उपायन माने उपहार, हस्तव माने हाथ में, हस्तव के बाद ऋषि कुमार है, ओ के स्थान पर आव आदेश हो गया, आयादि संधि हुई, लिखे प्रवेशोपायन हस्ता ऋषि कुमार को, हस्तौ ऋषि कुमार औ के स्थान पर आवादेश हुआ, तो हाथ ऋषि कुमारों के हाथ में क्या है, गिफ्ट सामग्री। अब दोनों ने कहा इदम अलंकरणम, इदम अलंकरणम, अभी अभी प्रेमदा ने कहा था आभरणोचितम, आभूषण चाहिए, तो इन्होंने कहा इदम अलंकरणम, ये अलंकार है, अलंक्रियता मात्र भवति, इन अलंकारों से आदरणीय शकुंतला को सजाया जाए। सर्वा विलोक्य विस्मिताः, सब ने देखा कि बाप रे ये तो 3 लाख के हार है, कंगन कितना सुंदर है, बहुत सुंदर सुंदर आभूषण आ गए, सबने देखा विस्मित हो गई, विस्मित आश्चर्यचकित सभी हो गए कि हाय राम इतना महंगा महंगा कहाँ से आया। तो गौतमी पूछती वत्स नारद, उनमें से जो 2 ऋषि कुमार थे, एक का नाम है नारद, एक का नाम है गौतम, तो नारद से पूछे कि वत्स नारद कुत एतत्, इतनी महंगी महंगी आभूषण सामग्री कहां से, चूंकि गौतमी पूरे आश्रम की अध्यक्षा है और आश्रम में नहीं है, ये गौतमी को पता है, भाई कौनो रख रखाव होगा तो गौतमी को तो सब पता है ना कि हमारे आश्रम में कहीं इतना हार, ये कंगन, ये पायल, ये नथबेंदी, ये माथबेंदी, ये काने का कुछ नहीं था, अब इतना सारा दोनों बच्चे हाथ में लेके आए, इसलिए गौतमी ने सवाल किया, देखो प्रेमदा तो सवाल नहीं की कहीं ले आओ, ले आओ दे, अरे दे ले आओ सजाई आवा हो जहाँ से आवा हो। गौतमी ने पहले सवाल पहले पूछी कि आया कहाँ से, गौतमी ने कहा वक्त नारद कुद ये कहाँ से मिले, तो पहले ने कहा तात काश्यप प्रभावात, तात काश्यप प्रभावात, बोले पिता काश्यप के प्रभाव से, यानी कर्ण के प्रभाव से, भाई आश्रम के मुखिया वो हैं तो बस उनके प्रभाव से मिल गया। तो गौतमी ने कहा कि मानसी सिद्धि, क्या ये मानसिक सिद्धि का असर है,
मानसी सिद्धि वो होती है कि जो संत साधु महात्मा बहुत तपस्या कर लेते हैं ना, तो उनके मन में जो आ जाए, जो मन आ जाए वही चीज आ जाती है, ये मानसी सिद्धि। मानसी सिद्धि में मन में आया हो गया, जैसे उनको आया कि आज असमय में ही वो कहें कि भाई हम ताजे फल आम के खाएंगे, तो तपस्या का इतना असर होता है कि आम के फल आ जाते हैं। उनको लगा कि भाई अभी हमें इनसे मिलना है, तब तक जिनसे मिलने की इच्छा हुई वही आ जाते हैं। जैसे उनको हुआ कि भाई इतना बढ़िया सुंदर घर बन जाए, इतना VVIP घर होना चाहिए, तब तक वो घर बन जाएगा। घर बन जाएगा मतलब कोई आ जाएगा, घर बनवा देगा, उनकी मन में आया, इच्छा पूरी हुई, मन में आया। ये किसका असर होता? तपस्या का। तो गौतमी से जब शिष्य ने कहा कि भाई काश्यप प्रभावा, तो उन्होंने फिर पूछा कि भाई काश्यप के पास तो ये कुछ था नहीं। गौतमी भी तो जानती है कि आश्रम में क्या है, पर वो ये जानती है कि यदि वो मन में कोई संकल्प ले लेंगे तो वो पूरा होगा। तो क्या इतनी तपस्या है कर्णों की, इतनी तपस्या है कि मानसी सिद्धि उनको है, मन में आया पूरा होगा। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कर्णों के मन में आया हो कि बिटिया विदा हो रही है, ठोहार होता तो अच्छा था, काम के लिए कुछ हो जाता तो अच्छा था, कंगन हो जाता तो अच्छा था, यदि ऐसी इच्छा करते तो ऐसे सारे आभूषण हो जाते। लेकिन मानसिक सिद्धि में ना फिर तपस्या कम होती है। जितना आप मानसिक सिद्धि मन में लाएंगे, अभिलाषाएं पूरी तो होंगी, उतना आपका तपस्या का स्टेटस समाप्त हो जाएगा। और यदि बहुत मानसिक सिद्धि आपने कर ली, बहुत मन में संकल्प ला दिए, सब पूरे होंगे, और फिर आप जितना आप तपस्या किए थे वो सब बराबर, भाई तपस्या का ही तो फल है जो आपको मिल रहा है, तपस्या खर्च कर देंगे आप इसमें। इसलिए कर्ण कभी इस प्रकार की चीजों के लिए मानसी सिद्धि नहीं करते, ठीक है। तो ये मानसी सिद्धि तो नहीं थी। अब आगे दूसरे ने कहा न खलो, ये मानसी सिद्धि ये होती कि कर्ण कह दे कि हार आ जाए और बच्चे ऐसे हाथ फैलाते हार आ जाता, ये तो मानसी सिद्धि का कमाल होता। ऐसा तो नहीं था, ऐसा नहीं हुआ। तो दूसरे ने कहा न खलो श्रूयताम, ऐसा नहीं है। श्रूयताम सुनिए, तत्र भवता वयमाज्ञप्ता, आदरणीय कणों के द्वारा हम लोगों को आदेश दिया गया कि शकुंतला हेतु, शकुंतला के लिए वनस्पतिभ्यः, वनस्पतियों से कुसुमानि आहरत इति, कुसुमानि आहरत, हाँ यह संधि ना, कुसुमानि और आहरत एक स्थान पर यह हुआ, फूलों को ले आओ, ऐसा कणों ने हम लोगों को आदेश दिया। किससे लाना है फूल? वनस्पतियों से, वृक्षों से। तो तत इदानीम, तो जब हम लोग वहां गए तो थे फूल लेने, गए तो थे लेकिन ये मिल गया, हम लोग ये लेने नहीं गए थे। और कर्ण भेजे भी नहीं थे कि जाओ आभूषण लाओ, बस वो ये भेजे थे कि चले जाओ जहां जहां फूल खिले हैं उनमें से कुछ गेंदा के फूल तोड़ लाओ, कुछ कमल के फूल तोड़ लाओ, कुछ चमेली के फूल तोड़ लाओ, जब बेटी विदा हो तो कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम फूल तो दे के विदा कर सकते हैं किसी को। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पैसा है तो बेटी विदा हो रही होती है तो आप 10 रुपया पकड़ाते हैं, बिटिया से गले मिलते हैं, नहीं तो कुछ लोग टंकी उतनी देते हैं, कुछ लोग दौरी धोती देते हैं, साहब दौरी धोती भी देते हैं, साड़ी उड़ी कपड़ा उपड़ा देते हैं, और कुछ को कुछ नहीं देते, कम से कम 10 रुपया तो लड़की की विदाई में सब देते हैं। तो अब भाई आश्रम के पास कुछ नहीं था तो उन्होंने यही कहा कि फूल ही तोड़ के लाओ, बेटी जाएगी पुष्प ही देके उनको विदा करेंगे। तो फूल देकर के विदा करना चाह रहे थे आश्रम के सभी लोग, जितने भी आश्रम के शिष्य होते। तो भाई आश्रम के शिष्य या तो भाई शकुंतला विदा हो रही तो अब रुद्राक्ष के माला थोड़ा उतार के पहना देते, रुद्राक्ष की माला तो उनके लिए है जो विरक्त हैं। अब ये गृहस्थ में जा रही है तो गृहस्थी आदमी को आप माला पकड़ाओगे कि जाके माला जपे वो भी रुद्राक्ष की? ये तो गलत उपायन हो जाएगा ना। जैसे कोई आदमी 50 साल के आपके पिताजी हो गए फिर वो रुद्राक्ष पहने चलेगा, वो माला पकड़ के बैठे चलेगा, 60 साल की आपकी अम्मा है सवेरे उठे, हम ये नहीं करें कि माला नहीं जपना है, नहीं कुछ लोग बड़ा गलत अर्थ ले लेते हैं। मेरा मतलब है विदा होती हुई शकुंतला को रुद्राक्ष की माला देकर विदा किया जाए ये उचित नहीं था, बल्कि फूल देके विदा किया जाए ये उचित था ना। इसीलिए शकुंतला इत्यादि, भाई कर्णों के पास क्या था? या तो एक वस्त्र रहा होगा, या तो झुरिया रही होगी, झुरिया में माला रहा होगा। बोलिए, अब भाई किसी को देना है तो आप जनरली देखे होंगे कि जिनके पास आप नागा बाबा के पास गए होंगे तो उनके पास भभूत रहता है, तुम्हार राखी लपेट देते हैं, सब जगह लगाएंगे, प्रसाद भी देंगे तो किसका देंगे? उसी का देंगे।
किसी महात्मा फूल उल के पास, जिसके पास बहुत फूल उल हो तो बहुत करते हैं, तो माला उठा के ठाक को पहना देते हैं, जो है वही देते हैं। तो इनके पास भी कुछ था नहीं, तो कम से कम बगिया लगी है, फूल लगा है, तो फूलों को मंगाया कि फूल लेके आओ, जाते समय विदाई में हम सब लोगों की ओर से पुष्पों से फूलों से इसको विदा करेंगे। तो उनमें सब ये बता रहे हैं, ये श्लोक लेकर के थोड़ी देर के लिए विराम देंगे आपको, फिर आप दोबारा आइएगा। बोले क्षौमं केनचिदिन्दु पाण्डु तरुणा मांगल्यमावेशकृतं निश्चोतश्चरणोपराग सुभगो निश्चो लाक्षारसः केनचित् लाक्षारसः अन्येभ्यो वन देवता करतलैः अन्येभ्यो वन देवता करतलैः आपर्व भागोत्थितैः दत्तान्याभरणानि नः किसलयो दत्तान्याभरणानि भेद प्रतिद्वन्द्विभिः भेद प्रतिद्वन्द्विभिः क्षौमं केनचित् क्षौमं केनचित्। हाँ, केनचित के आगे लिखा है हिंदू पांडु, फिर लिखा है तरुणा। केनचित में तृतीया है, तरुणा में भी तृतीया है। केनचित तरुणा, किसी वृक्ष के द्वारा। केन है तृतीया का एक वचन और तरुणा भी तृतीया का। तो केनचित तरुणा मांगल्यम मांगलिक क्षौमं क्षौम वस्त्र आविष्कृतम आविष्कृतम प्रकटीकृतम प्रकटीकृत, किसी ने आविष्कृत किया क्षौम माने रेशमी वस्त्र, और मांगलिक मांगल्यम माने मांगलिक, और इंदु इंदु माने चंद्रमा, और पांडुता माने श्वेतता। चंद्रमा जैसी साफ स्वच्छ श्वेतता जिस क्षौम वस्त्र में विद्यमान है, जिन क्षौम वस्त्रों में, जिन रेशमी वस्त्रों में इतनी चांदनी जैसी स्वच्छता विद्यमान है, ऐसी साफ स्वच्छ चांदनी जैसी स्वच्छता वाले मांगलिक क्षौम वस्त्र को केनचित माने किसी तरुणा माने वृक्ष के द्वारा आविष्कृतम। समझ में आ गया, कर्मवाच्य का प्रयोग है, जो कर्ता है उसमें तृतीया है और जो कर्म है उसमें प्रथमा है। तो तरुणा क्षौमम आविष्कृतम, ये वाक्य है, तरुणा क्षौमम आविष्कृतम, यही ना। अब तरुणा का विशेषण है केनचित तरुणा, और क्षौमम का विशेषण है मांगल्यम और इंदु पांडु। इंदु पांडु क्षौमम और मांगल्यम क्षौमम केनचित तरुणा आविष्कृतम, किसी वृक्ष के द्वारा आविष्कृत किया गया, प्रकटित किया गया माने दिया गया। समझ में आ जाएगा। तो केनचित तरुणा, हम तो किसी वृक्ष के पास गए थे फूल लेने, भाई कभी किसी वृक्ष के पास गए तो वनस्पतिभ्यः कुष्मानि आहरत, यही वाक्य था कि वनस्पतियों से फूल लेकर के आओ। अब भाई आप किसी के पास कुछ मांगने गए कि फूल लेने गए, उन्होंने कुछ और दे दिया, अच्छी चीज़ फूल से ज़्यादा चीज़ दे दी, बोलिए हाँ। तो ये तो वृक्षों के अपने वृक्षों के द्वारा दिया गया किसी बेटी को उपहार है। जैसे भाई इनके सारे वृक्ष हैं, जो सारी लताएं हैं, जो सारे हिरण हैं, यही तो इनका परिवार है, और उस परिवार की कोई बेटी विदा होगी तो सब उपहार देंगे, तो वृक्षों ने भी दिया। तो जिन जिन वृक्षों ने जो जो दे सकते हैं वो दिया। अब आप देखना, हर बेटी की विदाई में परिवार के लोग अलग अलग चीज़ देते हैं ना, तो कोई साड़ी देता है कि नहीं देता है, देता है। ऐसे कुछ वृक्षों में से कुछ वृक्ष ऐसे थे जो क्षौमम आविष्कृतम, माने क्षौम बोले तो हम बोल सकते हैं क्षौम वस्त्र, रेशमी वस्त्र, बिटिया के लिए कपड़ा दिया बिटिया के लिए। इसीलिए आज तक बिटिया की विदाई में आज भी लोग कपड़ा देते हैं, नहीं देते हैं, देते हैं। कालिदास के जमाने में भी यही चलता था, आज भी यही चलता है। इसीलिए काव्येषु नाटकम् रम्यम् तत्र रम्या शकुन्तला अतत्रापि चतुर्थोऽङ्कः तत्र श्लोक चतुष्टयम्। इसीलिए कि छोटी छोटी बात भी कालिदास ने कहीं नहीं छोड़ी है, बिटिया विदा हो रही है, सारा परिवार की ओर से विदाई आती है, तो कालिदास ने कहा कि ए आश्रम के वृक्षों,
तुम लोग भी इसी आश्रम के परिवार के स्वरूप हो, आखिर तुम्हारी ओर से बिटिया को क्या। तो उनमें से कुछ वृक्षों ने कहा कि मेरी, किसी वृक्ष ने कहा कि क्षौमम के नचिदिन्दु पांडु तरुणा मांगल्यमावेश कृतम। आगे कहा निष्ठुतश्चरणों पराग सुभगो लाक्षारस केनचित, और ऊपर से तरुणा। ये भी केनचित तरुणा, किसी वृक्ष के द्वारा लाक्षारस निष्ठुरता। लाक्षारस माने जो पैर में लगाया जाता है, और ध्यान रखना विदा होती हुई बेटी विदाउट पैर में महावर लगाए बिना नहीं जाती। और ये भी मांगलिक सामग्री है, और ये मांगलिक सामग्री भी प्रदान किया गया किसी वृक्ष के द्वारा। अच्छा, बेटी की विदाई में कुछ चीजें अनिवार्य हैं, भले ही 2 रुपया का महावर मिलता हो, लेकिन गुरु वो 2 रुपये बिना महावर बिटिया विदा नहीं हो सकती। बोलो हाँ। अब बिटिया के कौन कहो बिटबो की लागत है। ये मांगलिक है, ये मंगल सामग्री है, ये शुभ की सामग्री है, और इसको लगाना है। बोलो हाँ। इसीलिए किसी वृक्ष के द्वारा लाक्षारस, और लाक्षारस है कैसा, बोले चरणों पराग सुभगा, चरणों पराग, चरणों पराग सुभगा क्या, और केनचित निष्ठुरता, किसी ने चुआया, किसी ने टपकाया किसी वृक्ष के नीचे। जब वो गए और बोले कि कर्णों ने कुछ फूल मांगे हैं फूल तोड़ने के लिए, तो उन्होंने कहा फूल तो ले ही लो, फूल तो जितना लेना हो ले लो, हमारी बिटिया शकुंतला विदा हो रही है, उसके पैरों में लगाने के लिए मेरी ओर से महावर लेते जाओ। और महावर टपकने लगा, और वो नारियल की डकलोइया सब, भाई नारियल बहुत फूल, आश्रम आश्रम में नारियल की कोई कमी है, अगर नर्मदा जा करके ठंडा रख ली, हाँ चुहा 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 हो गया बहुत, अरे और ले जा, क्या लेके आए, लाक्षारस लेकर के आए। और लाक्षारस लोग ये सोचे कि कहीं, इसीलिए कालिदास ने लिख दिया कि लाक्षारस है क्या, कहीं ऐसा ना हो कि लोग मोह में लगा बैला है। तो कहा चरणों पराग सुभगो, चरण। हम कभी कभी सोचते हैं कालिदास को ये लिखने की जरूरत नहीं, जरूरत थी ताकि लोग जान जाए कि पैरों में लगाने के लिए है। चरण उपराग सुभगा, सुंदर लगते हैं, चरण सुंदर लगे इसके लिए। आपने देखा होगा कोई जो नाव होती हैं या नगवा होता है, बड़ा सजा सजा के लगाते हैं, मार फूल पत्ती बना बना के कुल गोड़ एकदम रंगा, इधर इधर इधर, अब घोड़े के ऊपर और रंगा, का पता तो फैशन चल गया, हियाँ तक रंग देती है, देख पत्ती फूल ये सब, हाथ में मेहंदी रंगा रहेगा, नीचे महावर रंगा रहे। बोले हाँ या ना, महावर भी शुभ की सामग्री है, कल्याण की मांगलिक सामग्री है, खासकर विदाई के समय। तो आप देखेंगे तो इन्होंने कहा कि निष्ठुता चुआया गया, चरणों पर आग सुभगा, चरणों में लगाने के लिए सुंदर, क्या बोले लाक्षारस, किसके द्वारा, बोले केनचित तरुणा, तरुणा ऊपर से लेना, किसी वृक्ष के द्वारा लाक्षारस दिया गया। अब बोले अन्येभ्यो वन देवता करतलैः आपर्व भागोत दत्तान्या भगिनानि, आगे कहा अन्येभ्यः आभरणानि दत्तानि, अन्येभ्यः तीसरी लाइन में है, दत्तानि आभरणानि चौथी लाइन में है। और बोले और बहुत सारे अन्य वृक्षों के द्वारा दत्तानि दिए गए आभरणानि, और नह अस्माकम् हम लोगों को आभरणानि दत्तानि। बोले अन्येभ्यः कौन, बोले वन देवता करतलैः, वन देवताओं ने आभूषण दिए, वन देवताओं ने जब वृक्ष देने लगे, किसी वृक्ष ने साड़ी दिया, किसी ने लाक्षारस दिया, तो आखिर वहाँ देवी देवता भी तो हैं। हर वृक्षों में, हमारे यहाँ तो भाई पीपल में भगवान का वास माना गया, नीम में भगवान का वास माना गया, हम इनमें देवी देवता का वास समझते हैं। तो कहा वन देवता करतलई ही, वन देवी देवताओं ने करतल तक हाथ निकाल करके, पूरा नहीं प्रकट हुए, बस करतल आगे आया, और आपर माने यहाँ तक का हिस्सा, हाथ का इतना, जितने से हाथ को देना है बस उतना दिखाई पड़ा,
और उसमें कोई आभूषण रखा था। इसी हाथ में कोई कान का टप्स रखे था, कोई नकुरा वाला रखा था, कोई पायल रखा था। ऐसा बोले बस हाथ भर निकला, तो इसलिए ये नहीं बता पा रहे हैं कि फलानी देवी की ढमाकी देवी, पर जो भी देवी देवता थे बस उनका आपर्व भाग उत्थित ही आपर्व भाग, बस आपर्व भाग तक हाथ निकला और उसी हाथों से हमारे हाथों में उन्होंने रख दिया, पूरा प्रकट होकर के नहीं दिए। और क्या दिए, बोले न माने हम लोगों को आभरणा नि माने आभूषण दत्ता नि माने दिए गए। और बोले किशलय उद्भेद प्रतिद्वंद्वी, किशलय उद्भेद किसले माने किसी भी पेड़ के नए नए पत्ते, और जो नए नए पत्ते होते हैं वो बहुत कोमल होते हैं और बहुत सुंदर होते हैं। तो जो वन देवी देवताओं के हाथ निकले थे वो इतने कोमल थे, इतने सुंदर थे। तो भाई वो आश्रम के दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं, तो कोमलता से और सुंदरता से जो चीज़ देखे होंगे उसी से उपमा देंगे ना। तो वो कोमलता और सुंदरता में नारद और गौतम, ये जो दो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको क्या पता है कि कौन चीज़ सबसे सुंदर कौन चीज़ सबसे कोमल। तो इनके लिए तो वृक्षों से निकलने वाले नए नए जो किसले हैं वही सबसे ज़्यादा सुंदर और वही सबसे ज़्यादा कोमल। तो जो हाथ मने देवी देवताओं के निकला वो किसले के उद्भेद मने निकलने वाले जो नए नए किसले निकलते हैं उनके समान सुंदर और कोमल हाथ थे जो बाहर आए थे। यही कहा किसलय उद्भेद प्रतिद्वंद्वी, प्रतिद्वंदिता थी, अर्थात किसले ज़्यादा कोमल है कि वो हाथ ज़्यादा कोमल हैं। मन किसले के जो निकलते हुए किसले थे वृक्षों के, उनके समान सुंदर कोमल और इतने कोमल कोमल सुंदर सुंदर हाथ निकले थे। और उन्हीं हाथों ने हमें नह माने हम लोगों को आभरणा नि माने आभूषण दत्ता नि माने दिया गया कर लेंगे। अन्य वृक्षों ने बस कलाई तक जिनका हाथ निकला था, आपर्व भाग उत्थित ही, और इसके पहले लिखा है करतल ही, और करतल किसका, वन देवताओं का, इसीलिए कहा वन देवता करतल ही, तृतीया का बहुवचन, फिर आपर्व भागोत्थित ही तृतीया का बहुवचन, और किशलयोद्भेद प्रतिद्वंद्वी तृतीया का। तो वन देवता करतल ही कीदृश ही करतल ही, तो बोले आपर्व भागोत्थित ही ऐसे करतल ही, और किसलयोद्भेद प्रतिद्वंद भी ऐसे किस ऐसे करतल ही, न हम लोगों को आभरणानि आभूषण दत्तानि दिए गए कर लेंगे। इसको समझ में आया कि नहीं, अन्येभ्यो वन देवता करतल आपर्व भाग दत्तान्या भरणानि न किसलयो भेद प्रतिद्वंद्वी। शाकुल विक्रीडित कौन सा छंद है, दत्तान्या भरणानि में संधि है, यण संधि, किसलयो भेद में संधि है, गुण संधि। समझ में आया, मांगलिक क्षौम वस्त्रों को किन्होंने पैदा किया, किसी